This program is brought to you by IndianFankaar.com. The Indian Fankaar Show में आज मैं आई हूँ आपके साथ मेरी कुछ अनसुनी बातें कहने के लिए. This is Zee TV film DID Supermoms Shraddha. Supermom बनने से पहले की मेरी जिंदगी और अभी बाद की जिंदगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. शुरुआत करें बचपन से. मैं भी एक नन्ही कली थी मेरे मम्मी पापा की. मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो स्कूल में बच्चों को हैंडल करती थी और पापा सिविल इंजीनियर के साथ फाइनेंस मैनेज करते थे. मम्मी इतनी सिद्धांतवादी थी कि वो कभी भी कोई भी चीज़ इधर उधर चलाती नहीं थी और मैं पढ़ने में होशियार थी. मम्मी ने मेरे अंदर का हुनर ढूंढा 3 साल की उम्र में. जब मैं फ्लाइंग डिश जब खेल रही थी तो उन्होंने बोला रुको फ्लाइंग डिश को और कुछ यूज़ करके दिखाओ. तो फ्लाइंग डिश को मैंने रखा पैर में उसके ऊपर चढ़ी और मैं करने लगी वॉक. तो मेरी शुरुआत रैंप वॉक से नहीं हुई थी प्लेट के ऊपर हुई थी. फिर मम्मी ने मुझे दी परात जिसमें आटा गूंथते हैं वो परात के ऊपर चढ़ी मैं 3 साल की उम्र में. वो मेरी पहचान बन गई क्योंकि जब भी कोई शो था तो मेरा एक डांस तो फिक्स होता ही था. 3.5 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की भरतनाट्यम अरंगेत्रम किया मैंने 8 साल की उम्र में. That was a Guinness Book of Records. Almost सारे न्यूज चैनल सभी रेडियो स्टेशन सभी न्यूज पेपर में मैं आ गई थी और तब सुष्मिता और ऐश्वर्या भी बने थे मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स. तो वो साल बहुत ही यादगार था मेरे लिए. रेडियो पे मुझे एक सवाल पूछा था कि श्रद्धा तुम बड़ी होके क्या बनोगी. तो मैंने बोला बड़ी होके मैं डॉक्टर बनूंगी. सारे बच्चे मतलब 8 साल की उम्र में आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड तो डॉक्टर बनना था और साथ में डांसर भी. तो मुझे पूछा गया कि डांसर और डॉक्टर कैसे मैनेज करोगी. तो फिर मैंने वही एक बच्चे के आंसर कैसे होते हैं वैसे आंसर दिया कि अगर कोई ऑपरेशन करना है या कुछ भी है तो मैं पहले वो करूंगी. अगर शो है तो उनको बोलूंगी कि बस आई एम ऑन द वे मैं आ जाऊंगी क्योंकि आर्टिस्ट को लेट होने की आदत होती है. तो मैं पहला मेरा काम करूंगी एज अ डॉक्टर और पेशेंट को सर्व करूंगी. थोड़े साल के बाद जब मैं बड़ी हुई मेरा ड्रीम चेंज हो गया. मैं बनना चाहती थी एयर होस्टेस क्योंकि वो ग्लैमरस फील्ड था. साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ मैं कर रही थी जिम्नास्टिक्स स्केटिंग स्विमिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज. जिम्नास्टिक में मैं नेशनल प्लेयर बनी मुझे गोल्ड मेडल मिले. एक्रोबैटिक्स में मैं नेशनल प्लेयर थी. स्विमिंग में मैं स्टेट लेवल पर थी. मतलब ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स मेरे दिमाग में घुस चुका था. साइड बाय साइड डांस तो था ही. पढ़ाई में मम्मी ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था जो टीचर पढ़ाए वो तुम्हें ध्यान देना है. कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं. तो जो भी स्कूल में टीचर पढ़ाते थे मेरा ध्यान सिर्फ उसमें ही रहता था. मेरे फ्रेंड्स कुछ भी करे मैं इधर उधर दिखती भी नहीं थी. मेरा सिर्फ ध्यान टीचर पे. देन मैं आगे बढ़ती गई. पढ़ाई में अच्छी थी स्पोर्ट्स में अच्छी थी आर्ट्स में अच्छी थी. फाइनली मेरा गोल सेट हुआ कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और मेरा सभी तरह की तैयारी से मैंने शुरू कर दी कि एस्ट्रोनॉट के लिए क्या 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 चीज़ चाहिए. 10th स्टैंडर्ड में मेरी लाइफ में एक चेंज आया. 0.2% की वजह से मेरा सूरत सेंटर बोर्ड में नंबर नहीं आया. दैट इज़ कंपटीशन चलती थी कि कौन से स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे का सेंटर में नंबर आए और 0.2% की वजह से वो चीज़ मैंने हासिल नहीं की. बहुत दुख हुआ. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि श्रद्धा ये सारी एक्टिविटी करने की वजह से तुम्हारा नंबर नहीं आया. बट अभी ठान लो कि 12th बोर्ड में तुम गुजरात बोर्ड में नंबर आना चाहिए. मैंने शुरुआत कर दी. 11th साइंस लिया क्योंकि एस्ट्रोनॉट बनना था. सब चीज़ अच्छे से चल रही. सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई. सुबह 4 बजे से ट्यूशन जाती थी. एक्टिविटीज़ तो मतलब टाइम ही नहीं था. और मैं सडनली डिप्रेशन में आ गई. 11th स्टैंडर्ड में जब मैं डिप्रेशन में आई मेरा 8 से 10 किलो वज़न कम हो गया. मैं 92% लाने वाली लड़की 70% पे आ गई और वो मुझसे सहन नहीं हुआ कि मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ. पर मेरी मम्मी भले वो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थी पर जितनी मोटिवेटिव और सपोर्टिव वो थी उतना शायद कोई नहीं है. मैंने 12th में साइंस स्ट्रीम छोड़ के आर्ट्स लिया. साइंस वाली लड़की आर्ट्स में गई. मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था सो आर्ट्स लिया.
वापस रूल चेंज हो गया, कैसे स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, आपको वापस साइंस करना पड़ेगा और एज 11th आर्ट्स करो. सो मेरे लिए वो बहुत मतलब तामझाम वाली चीज़ थी कि क्यों मैं होशियार हूँ पर बिकॉज ऑफ रूल्स चेंज होने के. तो फिर मैंने स्टडी 12th में, मैंने इग्रू में से 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी और बाई चांस प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए. मेरे पापा की अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स, मम्मी की फिजिकल बहुत मेडिकल इश्यूज आए और हमारी लाइफ में तहलका मच गया. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय indianfankaar.com. मेरी जर्नी में आगे बढ़ाऊं तो मैं गई कॉलेज में. 18 साल की उम्र में एक होता है ना कि कॉलेज की लाइफ ऐसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे मजे करेंगे और एंजॉय करेंगे, पर मेरी लाइफ में वो थोड़ा ट्विस्टेड था. वो पॉसिबल नहीं था कि मैं वो मजे लूँ जो सारे बच्चे लेते हैं. मैं सुबह एज अ डांस टीचर एक स्कूल में जॉब करती थी, आफ्टरनून में कॉलेज जाती थी और शाम को वापस मेरे डांस क्लासेस. मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी पापा के पास से एक भी पैसा लूँ कि उनके ऊपर बोझ पड़ूँ. मेरा ब्रदर मुझसे एक ही साल छोटा था और मैं चाहती थी कि जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आए हैं वो प्रॉब्लम की वजह से मम्मी पापा दुखी ना हो या फिर उनकी जिंदगी में और कोई तकलीफ नहीं आए. फिर फाइनली मैंने वो डिसीजन लिया. एस्ट्रोनॉट तो मैं अगले जन्म में बन जाऊंगी पर अभी मुझे मेरे मम्मी पापा का बेटा बनना है. मेरा भाई छोटा था, वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और वो पढ़ाई में नाम कमाए. सो मैंने मेरी फन का यूज़ किया. कॉलेज में काफ़ी होनहार थी, प्रोफेसर्स भी चाहते थे कि श्रद्धा तुम प्रॉपरली कॉलेज में ध्यान दो और एंड द कोर्स तुम गोल्ड मेडल लाओ और हमारे कॉलेज का नाम. मतलब फाइनली सभी जगह पे घूम घूम के तो वही आ रही थी कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है, मुझे कोई चीज़ हासिल करनी है. पर कहीं ना कहीं ऐसे होता था, जॉब मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी एजुकेशनल लाइफ में बैलेंस करने के लिए भाग दौड़ करती थी. जब सारी लड़कियां, मैं गर्ल्स कॉलेज में थी तो सारी लड़कियां बैठ के ब्रेक में गॉसिप करेगी या मज़े करेगी, तब मैं होमवर्क कंप्लीट करती थी. मेरी शीट्स, मैंने कमर्शियल आर्ट्स किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑल, तो मैं वो सब ख़त्म करती थी. अगर कहीं पे टूर पे जाना है या फिर फ्रेंड्स घूमने के लिए जाएंगे तो वो मैं अवॉइड करती थी बिकॉज वो पैसे मुझे बचाने थे मेरी स्टडी के लिए. तो एक एक पैसा मैं बचाती गई और खुद मतलब मैं 18 साल पे सेल्फ मेड बन गई थी. वो पैसा मैं अलग करती गई स्टडी के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए. फ्यूचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, देन मेरे खुद के क्लासेस चालू किए, दैट इज टैपर्स डांस स्कूल. शुरुआत में वो संस्कृति आर्ट एकेडमी था पर लोगों ने जाना कि संस्कृति मतलब वो क्लासिकल ही करवाती होगी. बट मैंने 22 डांस फॉर्म वहाँ पे सिखाना शुरू किया और मैं भी मेरी मम्मी की जैसे बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी थी, जो करना है वो परफेक्ट करना है. काम करती गई, मेरे बच्चे नाम कमाते गए, बहुत अच्छे से ट्रेन होते गए, धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से स्टूडेंट्स बढ़ते लगे और सारी कंपटीशन में श्रद्धा के फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर तो श्रद्धा के ही होंगे, वैसे हो गया था. मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करने लगे. छोटी सी दुकान में शुरू की हुई टैपर्स डांस स्कूल मैं लेके गई बड़े स्टूडियो में. अड़ाजन में मैंने शुरू किया, अभी तो 17 ईयर्स हो गए टैपर्स डांस स्कूल को. मैंने दूसरी ब्रांच भी शुरू की और टैपर्स डांस स्कूल में आए मेरे हस्बैंड अरुण, जो SR में एम्प्लॉय थे. SR में डांस कंपटीशन थी और वो सीखने के लिए आए थे. डांस सीखे, मैंने सिखाया और सीख के चले गए. फिर थोड़े टाइम के बाद हमारा, उस जमाने में SMS था ना, तो SMS कर रहे थे. फिर उनको लगा और उन्होंने जाके डायरेक्ट मेरी मम्मी को बोल दिया कि आंटी जी मुझे श्रद्धा बहुत पसंद है और मुझे उसके साथ शादी करनी है. सो मम्मी ने बोला, श्रद्धा को पता है? नहीं, श्रद्धा को पता नहीं है, बट मैं पहले आपसे पूछ लूँ, आप अगर है हाँ बोलते हो तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो फिर दुख हो जाएगा ना कि हम लव अफेयर कर रहे हैं फिर ब्रेकअप हो गया. सो इट्स बेटर कि हम पेरेंट्स को पूछ ले और आगे बढ़े. तो मेरी मम्मी तो बहुत इंप्रेस हो गई और उन्होंने बोला कि हाँ तुम बहुत मैच्योर, ही इज़ अ साउथ इंडियन गाय और मैं गुजराती. फिर भी मम्मी ने बोला कि कैसे मैनेज करोगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि लैंग्वेज सबसे बड़ा इश्यू. तो उन्होंने बोला, मेरी मम्मी जब श्रद्धा को कुछ भी बोलेगी वो तमिल में बोलेगी, तो मैं कुछ अलग तरीके से ही ट्रांसलेट करके श्रद्धा को बोलूँगा और अगर श्रद्धा कुछ भी बोलेगी वो मैं ट्रांसलेट करके कुछ बोल दूँगा, तो दोनों के बीच में झगड़ा ही नहीं होने दूँगा. सो वो मेरी मम्मी को बहुत इम्प्रेस कर गया. सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी,
आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं प्यार हो ही जाता है इन जनरली, मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है उसमें। बट माँ बाप को दुखी करके कुछ नहीं करना। अरुण की सबसे अच्छी बात वही थी कि उन्होंने पहले पेरेंट्स की परमिशन ली। पापा थोड़े नाराज थे कि तुम कैसे मैनेज करोगे, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम वहाँ का खाना कैसे बनाओगी, कैसे वहाँ से बात करोगी। और सेम थिंग, हम बहुत सिद्धांतवादी होने के बावजूद मतलब दहेज वहेज चीज़ में हम मानते नहीं हैं। और एक मिसबिलीफ होती है कि साउथ इंडियन में काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं। बिलीव मी, उन लोगों ने भी हमें समझा, कोई भी ऐसे रिचुअल्स नहीं कि जहाँ पे हमें लोड आए। मैंने 18 साल की उम्र में जो पैसा बचाना शुरू किया था उसमें से ही मैंने मेरी शादी का गोल्ड खरीदा, मेरी शॉपिंग की। मम्मी पापा ने तो सपोर्ट किया ही था। मम्मी पापा ने 2000 लोगों का रिसेप्शन रखा, सबको इनवाइट किया और हम लोग शादी करने के लिए साउथ गए। पूरी साउथ इंडियन स्टाइल से, टिपिकल तमिलियन स्टाइल से मेरी शादी हुई और इट वॉज अ ड्रीम, और वो ड्रीम ट्रू हो गया। बाद में आए तो हमारा बच्चा मेरा माहिर, वो जब पैदा हुआ हमारी लाइफ में खूब ज्यादा खुशी लेके आया। 3.5 महीने का था और तब जी टीवी में से एक कॉल आया कि ऐसा एक रियलिटी शो आ रहा है, तो मुझे लगा कोई ऐसे ही गप्पे मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई माँ को थोड़ी नचवाएगा टीवी पे। फिर वापस से एक कॉल आया तो मुझे लगा ये डेफिनेटली कोई मेरी मजाक उड़ा रहा है, फिर मैंने उस पर कोई भी रिएक्शन देना बंद कर दिया। 2-3 लोग मेरे पास सीखने के लिए आए कि मैम हमारे पे ऐसे कॉल आए थे, हमें सीखना है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो बहुत छोटा बच्चा था और मेरा सिजेरियन ऑपरेशन था तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, मेरी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि वो मुझे रोक रही थी। सडनली अरुण ने देखा ऑनलाइन पे, अरे श्रद्धा सच में जी टीवी पे सुपरमॉम नाम का कोई चीज़ आ रही है, चलो ना हम पार्ट लेते। तो तब तक तो ऐसे ही था कि श्रद्धा तू इमोशनल फूल है, तू कहीं मतलब मैं रेबल टाइप की, मैं कुछ गलत होती हूँ ना तो मतलब तुरंत ही झगड़ा कर दूंगी या फिर बोल दूंगी कि ये गलत चीज़ नहीं संभालूँ, और इमोशनली अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत रोने पड़ूंगी, इसीलिए। तो मेरे घर से वो एक था, तू एक इमोशनल फूल है, तू ये सब चीज़ में नहीं चलेगी। बस एकदम से अरुण ने बोल दिया मुझे कि श्रद्धा लेट्स ट्राई। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय IndianFankaar.com। वेलकम बैक टू द इंडियन फनकार। मेरी जर्नी अगर हम आगे बढ़ाए, सो अरुण के फाइनल डिसीजन के श्रद्धा लेट्स ट्राई, मैं गई जयपुर में मेरे छोटे बच्चे को लेके ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट गुजरात के ऑडिशंस खत्म हो चुके थे जब तक हमने डिसीजन लिया। जयपुर में मैं सिलेक्ट हुई, फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हुई, सेकेंड राउंड सिलेक्ट हुई, देन आया मुंबई ऑडिशन, कि वहाँ पर 3rd राउंड था, 4th राउंड था, फिर वॉट नेक्स्ट। घर पे किसी को बताया नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा जानते थे, मेरा भाई भी नहीं। फिर हुई चीज, मेरे सासू माँ को भी पता नहीं था। 3rd राउंड गया, 4th राउंड गया, फिर मैंने फाइनली बोला कि अरुण अभी तो बताइए, मतलब तू कुछ अचीव कर ले फिर बताते ना, इसमें छोटी छोटी चीज में सबको बताने की जरूरत नहीं। स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कोई ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, हम सेल्फी खींचेंगे और पोस्ट कर देंगे गोइंग फॉर दिस, और बाद में क्या होता है कि हम जाने के बाद लोग पूछेंगे क्या सिलेक्ट नहीं हुई, तो पूछेंगे नहीं 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 मैं तो सिलेक्ट ही हो गई थी, वहाँ पे लोगों ने पैसा मांगा इसीलिए। पर क्यों शो ऑफ करना, अगर आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हो देन बताइए कि मैंने 3 या 4 राउंड किए क्लियर, उससे पहले आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत है। एक बार बोलो हाँ मैं गई थी, मैं सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझसे भी बेस्ट लोग वहां पे थे, पर अभी देखो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करके दिखाती हूँ। ये स्पेशली आज के जनरेशन के लिए। बैक टू माय पॉइंट, सिलेक्ट होती गई, वहां पे रात को कोई भी स्लॉट आता है, मेरा जो टीवी पे दिखाया गया वो जो स्लॉट था वो मेरा रात को 2:30 बजे का था। जब ऑडिशन मुझे दिखाया, मेरे बच्चे को मैं लेके गई और मर्जी सर ने उसको गोद में लिया और मैं सिलेक्ट हो गई स्टूडियो राउंड में। लगभग 350 लोग मेरे साथ सिलेक्ट हो गए थे, 13,500 लोगों में से मैं सिलेक्ट होके गई सूरत में से मुंबई में। जब मेरे आसपास लोग थे थोड़े इंडस्ट्री में से थे, थोड़े ऑलरेडी सीखे हुए थे, 3-4 रियलिटी शो करके आए थे, बाकी एकदम बेसिक के लोग थे और मैं भी, तो कहीं डर भी लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। बट
कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, जो भी चीज़ है नसीब तो साथ में है ही हमारा, पर ये सारी चीज़ अगर साथ में रहेगी तो भगवान कुछ ना कुछ मिरेकल करके ही दिखाएगा। इतनी सारे स्ट्रगल की थी 18 साल से लेके 28 साल तक, तो वो 10 साल का मुझे मिलने वाला था फल। ऑडिशन में सिलेक्ट हुए, आगे गए शोज में, ऑलमोस्ट 32 फिल्म स्टार, शाहरुख, दीपिका, सोनाक्षी, ऑलमोस्ट सभी ने, सिर्फ अमिताभ जी और सलमान जी नहीं आए थे उस टाइम क्योंकि उनका दूसरा शो भी चल रहा था, बाकी सारे फिल्म स्टार ने मुझे बहुत सराहाया। मेरे माहिर को लोग गोद में लेंगे और पप्पी करेंगे, किसी करेंगे तो ही उनका मूवी हिट जाता था, वो एक ट्रेंड बन चुका था वहाँ पे। 3.5 महीने के बाद जी टीवी DID सुपरमॉम शो कंप्लीट हुआ एंड आई बिकेम सेकेंड रनर अप। पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ दिखाई थी और तब मैं मेरे बैक, मेरे पास्ट में गई। जब मेरा सेंटर में नंबर नहीं आया था तब सूरत के लोग पहचानते, फिर बाद में मैंने कॉलेज में मेरा गोल्ड मेडल नहीं आया तब शायद कॉलेज के लोग, पर अभी मैं एक ऐसी चीज़ पे पहुंच गई थी कि मुझे सारा वर्ल्ड, सारा इंडिया मुझे सपोर्ट कर रहा था। DID के बाद मैंने डांस का टशन किया, फिर बहुत सारे अवार्ड शो की कोरियोग्राफी की, परफॉर्मेंस किया, स्टार, कलर्स एंड TV, जी के काफ़ी सारे रीजनल चैलेंज, सब में मैंने परफॉर्मेंस किया, कोरियोग्राफी। बाद में मेरे बच्चे के साथ मैंने डिसीजन लिया कि नहीं बस अभी नहीं, क्योंकि वो 10 महीने का हो गया था। जब भी ज़रूरत है, मुझे शो के लिए जाना है तो मैं सूरत से अप डाउन करूँगी। मेरा तब फाइनल प्रायोरिटी आ गया था फैमिली। बहुत फेम मिला, बहुत नाम मिला, पैसा मिला, पर प्रायोरिटी कहीं ना कहीं वो मुझे अटक रहा था। फिर मैं सूरत आ गई। जब भी अभी कोई भी शो होता है मैं मुंबई ट्रैवल करती हूँ कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। अभी तो मेरी एक छोटी गुड़िया भी है जो 4 साल की हो गई, टियारा, तो 2 बच्चे के साथ मैं सारी एक्टिविटी करती हूँ। मोर ऑफ अभी मैं एंटरप्रेनर बढ़ रही हूँ, काफ़ी सारे अपकमिंग टैलेंट है उसको मैं गाइड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सूरत की या फिर कोई भी मम्मीज जो घर बैठे अपने सपने को संजोती है, एक बार ट्राई कीजिए। आसमान इतना बड़ा है ना कि हमारी जितनी भी बड़ी पंख होगी ना उतना हम ऊंचा उड़ पाएंगे। कोई भी आर्ट छोड़ना नहीं है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तकलीफें, अप्स एंड डाउन सब में आते हैं, पर आर्ट ऐसी चीज़ है जो हमें ये सब चीज़ से बाहर लेके जाते हैं। तो मैं सभी फीमेल और यंगस्टर्स को अपील करना चाहूँगी कि हारो मत, होता है अप्स एंड डाउन, रिजेक्शन आते हैं, पर अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो कहीं ना कहीं भगवान कभी ना कभी वो आप में से निकाले गए। माँ बनने के बाद मैं TV पे गई, काफ़ी सारे एड शोज किए, TV सीरियल्स के लिए भी था, बट मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। अभी मैं दोनों चीज़ बैलेंस कर रही हूँ, मेरे बच्चों को एज अ मदर मैं उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लाती हूँ, उनको एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। सेम थिंग मेरे 11-12 एम्प्लॉयज़ है, 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको मैनेज करती हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स करती हूँ, वेडिंग कोरियोग्राफी करती हूँ। मतलब अभी मैंने टैपर्स डांस को एक सपना है, मैं मेरे आपका शेयर करना चाहूँगी। DID के टाइम पे 33 सिटीज़ में मेरे होर्डिंग्स लगे थे ऑल ओवर इंडिया। मैं चाहती हूँ कि वो 33 सिटीज़ में टैपर्स डांस स्कूल हो। थैंक्स अ लॉट।